पटवों की हवेली वास्तुकला का एक दिलचस्प नमूना है और जैसलमेर की हवेलियों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह ठीक दो चीजों के कारण है। पहला यह कि जैसलमेर में बनी पहली हवेली थी और दूसरी यह कि ये एक हवेली नहीं बल्कि पांच हवेलियों का समूह है। इन हवेलियों में से पहली हवेलियों का निर्माण और निर्माण वर्ष 1805 में गुमान चंद पटवा द्वारा किया गया था। और ये सबसे बड़ी और सबसे आडंबरपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि पटवा एक धनी व्यक्ति था और अपने समय का एक प्रसिद्ध व्यापारी था। इस तरह उसने अपने पांच बेटों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग कहानियों के निर्माण का आदेश दिया। हवेलियों को बदल व्यापारियों की हवेली के रूप में भी जाना जाता है। ये नाम शायद इसलिए दिया गया है क्योंकि परिवार कढ़ाई वाले कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले सोने और चांदी के धागों का कारोबार करता था। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है और एक संकरी गली में स्थित है। पटवों की हवेली पांच हवेलियों का एक समूह है जिसका निर्माण एक अमीर व्यापारी पटवा द्वारा करवाया गया था। पटवा हवेली 18वीं शताब्दी की शुरुआत की है जब पटवा अपने व्यापार और व्यवसाय को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैन मंदिर के एक पुजारी की सलाह पर पटवा बंधुओं ने छोड़ा जैसलमेर कभी न लौटने के इरादे से। उन्हें पुजारी ने सलाह दी थी कि उनका जैसलमेर में व्यापार नहीं पनप सका। किंवदंती है कि पटवा इसके बाद बेहद सफल रहे और उनका कारोबार पूरे देश में फैला। बैंकिंग और वित्त, चांदी, ब्रोकेड और अफीम व्यापार। आखिर पटवा इतनी ऊंचाई तक पहुंचे कि उन्हें राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए बुलाया गया था। इसने कबीले को उनके पुराने निवास स्थान में वापस ला दिया। कहा जाता है कि उस व्यापारी के पांच बेटे थे और उन पांचों बेटों के लिए प्रत्येक हवेली का निर्माण करवाया था। कहा जाता है इस हवेली का डिजाइन तैयार करने में 30 साल और बनाने में लगभग 30 साल लग गए थे, यानी इस पांच हवेलियों को बनाने में लगभग 60 साल से अधिक का समय लगा था। यह वास्तव में वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। 1800 और 1860 ईस्वी के बीच की अवधि में निर्मित लाल बलुआ पत्थर। यह पत्थर और लकड़ी से बने अपने पोर्टिको पर सुंदर जाली के काम के लिए जाना जाता है। इसमें एक शानदार अपार्टमेंट है जिसे सुंदर भित्ति चित्रों से चित्रित किया गया है। पटवों की हवेली अपने अलंकृत दीवार चित्रों, जटिल पीले बलुआ पत्थर नक्काशीदार झरोखों या बालकनियों, प्रवेश द्वारों और दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि भवन स्वयं पीले बलुआ पत्थर से बना है, मुख्य प्रवेश द्वार भूरे रंग का है। यह एक खूबसूरत हवेली है जो अपनी विस्तृत जालीदार हवेलियों के लिए जानी जाती है, जिसके सामने की 5 मंजिला इमारत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यालय पटवों की हवेली परिसर के भीतर स्थित है, जहां पर्यटकों द्वारा प्रमुख कलाकृतियां और ऐतिहासिक साक्ष्य देखे जा सकते हैं। अनगिनत झरोखे और बालकनियां आगंतुकों के लिए काफी दर्शनीय है क्योंकि वे आंगन का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मेहराबों, द्वारों, झरोखों, अपार्टमेंटों और प्रांगण में दर्पण कार्य और असाधारण डिजाइन की लघु नक्काशी मौजूद है जो बहुत ही फोटो योग्य और सजावट में समृद्ध है। निवासियों की जीवन शैली और उस युग की कलाकृति को दर्शाने वाला संग्रहालय राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। पहली हवेली सबसे लोकप्रिय है। आगंतुकों ने इसकी उत्कृष्ट वास्तुकला की प्रशंसा करने में काफी समय लिया है और अच्छे उपाय के लिए यह अन्य 4 में से सबसे अच्छी तरह से डिजाइन की गई हवेली।